औरतों को अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए, और अगर दलित हो तो बिल्कुल नहीं। यह हिंदुस्तान की राजनीति का अनलिखा संविधान है, पर इस संविधान में संशोधन करने वाला एक नाम है जो हमेशा समाज के निशाने पर रहा, मायावती। कुछ समय पहले भाजपा के एक लोकल नेता दयाशंकर सिंह ने कहा था कि मायावती वैश्या से बदतर है, पर माया को समाज का कोई खौफ नहीं है। वो किसी नॉर्म को फॉलो नहीं करती, वो समाज के हर उस नियम को तोड़ती है जिसे तोड़ने की ख्वाहिश आज के दौर में हर महिला रखती है। वो परंपरागत सजने संवरने को कब का धक्का मार चुकी है। मधुर बोलना और नजरें झुका के चलना, मजाक मत करिए, शील वाली बीमारी इनके पास भी नहीं पटकती। लज्जा स्त्रियों का आभूषण है, निर्लज्जता मर्दों का हथियार। अच्छा, माया सूट पहनती है और जूतियां भी। साथियों को एक पैर पर खड़ा रखना भी जानती है। मुख्तार अंसारी इनके साथ स्टेज शेयर करते हैं तो भी चप्पल उतार के। माया ने समाज के नियमों के विपरीत शादी नहीं की, बच्चे नहीं पैदा किए, परिवार नहीं बसाया। पर यूपी में परिवार विहीन होना तो शास्त्रों के हिसाब से पाप की कैटेगरी में आता है। मायावती ने ये विष भी पिया। 1970 और 1980 के दशक में, जब संपूर्ण क्रांति करने के बाद देश फिर इंदिरा की तरफ मुड़ चुका था, उस वक्त मायावती ने कांशीराम के घर में रहने का फैसला किया। उन पर तमाम लांछन लगे, पर माया ने कभी परवाह नहीं की। ये एक लड़की की ताकत की एक झलक थी। मायावती वो औरत है जिन्होंने कभी किसी को ये कहने का मौका नहीं दिया कि अरे यार, ये लड़की तो मर्दों की तरह काम करती है, क्योंकि मायावती ने अपनी ताकत दिखाई है एक औरत की तरह। वो डिफाइन करती है कि एक औरत कैसे काम करती है। यहां पर हम मायावती के भ्रष्टाचार के चाप से उसे मुक्त नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक अलग मैटर है। आप साबित करिए और जेल भेजिए। हम बात कर रहे हैं उस मायावती की जो भारत के दलित समाज और औरतों, जो कि इस देश में वाकई दलित हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत के 2000 साल की संस्कृति की दुहाई देने वालों के लिए मायावती देवी होनी चाहिए, क्योंकि जातिगत समीकरण को तोड़ एक पटल पर लाने का यह करिश्मा पहले कभी नहीं हुआ था। 2007 का चुनाव अपने आप में इतिहास था। बसपा मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, मायावती खुद एक घोषणा पत्र है, खुद एजेंडा है। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जादूगरनी। आप फील्ड में लोगों से पूछिए, धुर विरोधी भी माया का नाम आते ही कहता है, लॉ एंड ऑर्डर में बहन जी का जवाब नहीं, पर लगे हाथ ही आरोप लगते हैं कि मायावती ने पत्थर की सरकार चलाई। पर क्या यह अद्भुत नहीं है कि एक औरत भारत के यूपी में अपनी प्रतिभा का अनावरण करती है। हजारों सालों की भावनाएं, संस्कृति, दोगलापन और हर परंपरा से लड़कर यह चीज हुई। खुद मायावती ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह घटना किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है। यहां बात नेताओं की नहीं है, बात है एक औरत की। आज तक कितनी औरतों की प्रतिमाएं बनी हैं? अगर कस्तूरबा और सावित्रीबाई फूले याद नहीं है तो इंदिरा गांधी याद होगी ना। अगर इमरजेंसी से परहेज है तो कम से कम इस बात को ही मान लेते कि भारत की एक लड़की ने सबको राजनीति करने सिखा दी। अगर मायावती प्रतिमा का अनावरण नहीं करती खुद अपनी प्रतिमा का, तो कौन करता? ये प्रतीक है मर्दों की दास्ता से मुक्ति का। गांधी जी ने नमक बनाकर मिसाइल नहीं चलाई थी। अंग्रेज हंस रहे थे, चीन में टैंक के सामने खड़ा वो आदमी जानता क्या होगा, वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। पर उसका खड़ा होना ही विद्रोह का परिचायक बन गया। मायावती की मूर्तियां उसी विरोध का परिचायक नहीं है। आप नहीं करेंगे तो कुचला हुआ इंसान आगे बढ़ेगा और खुद कर लेगा, उसे आपकी अनुमति का इंतजार नहीं है। यही मायावती ने किया। इस देश में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, महिलाओं की मूर्तियां इस देश में सबसे कम है, पुरुष नेताओं की ज्यादा है, तो महिलाएं किसी का इंतजार नहीं कर सकती। अगर ये बात जाननी है तो उन लोगों से पूछिए जिनको नोएडा में कांशीराम योजना में घर मिला है, जो रोड पर सोने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे। औरतें वोट बैंक तो होती नहीं है, ये मायावती की कमजोरी है। दुखद यह है कि मायावती औरतों की नफरत का पात्र बनती है। दबी और डरी औरतों के लिए माया का स्वतंत्र होना खल जाता है। पर अगर सोचिए कि समाज का सबसे दलित वर्ग यानी कि औरतें माया को वोट कर दे, तो क्या हो जाएगा हिंदुस्तान में? संपूर्ण क्रांति यहां होगी। माया पैट्रियार्की के ढांचे में फिट नहीं बैठती, और हम ये जानते हैं कि पितृ सत्ता को चलाने में मर्दों के साथ औरतें भी शामिल हैं। लोगों को आश्चर्य होगा कि औरतें मधुमिता शुक्ला, भंवरी देवी, कविता गर्ग से ऊपर कैसे जा सकती है, जो कि इस व्यवस्था का शिकार बन गई, मरी भी तो तोहमत को साथ ले गई। पर माया ने लड़ना सीखा है। कम लोगों को पता होगा कि मायावती ने कांशीराम के रहते हुए भी फैसले अलग से लेना शुरू कर लिया था। ये बात
उनको जयललिता और सोनिया से भी अलग बनाती है। जया कभी एमजीआर को नहीं लांग पाई और सोनिया को भी मनमोहन सिंह की जरूरत पड़ी थी, पर माया खुद पार्टी है, अहम ब्रह्मास्मि। 1995 का गेस्ट हाउस कांड याद होगा लोगों को। भारत की राजनीति में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक कमरे में लड़की बंद है, बाहर लोग चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, रेप करने और मर्डर करने की बातें कर रहे हैं। आखिर इतने सारे मर्द उस लड़की से डर क्यों रहे थे, क्यों इतना डरे थे और उसे मारना भी चाहते थे, उसके सामने बात नहीं कर सकते थे? वो लड़की मायावती ही थी। इस घटना के 24 घंटे बाद मायावती सत्ता में आई और ये वही दिन था जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस मुख्यमंत्री को भारत के जनतंत्र का जादू कहा था। ये वही दौर था जब मायावती को अटल बिहारी वाजपेयी सरीके नेताओं ने राजनीति की ताकत माना था। मायावती ने जिंदगी को गर्दन से पकड़ा है और यही चीज उसको सबकी आंखों में खटकाती है। मैन स्ट्रीम मीडिया भी इसको इग्नोर करके चलता है, कहते हैं कि करप्शन से पैसा लाती है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पर कौन सा कॉरपोरेट एक दलित नेता को फंड करता होगा बताइए, कौन करता है? अगर मूर्तियों की बात करें तो सरदार पटेल की मूर्ति अकेले पार्क बनाने जितनी महंगी है। दूसरी बात की अगर आप लखनऊ के अंबेडकर पार्क जाएंगे तो अपने पूर्वाग्रह को छोड़ दें तो देखने में सबसे खूबसूरत है।